हेलो डियर ऑल, दिस इज डॉक्टर शीतल सुरकार, एन आयुर्वेदा कंसल्टेंट, एंड वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शीतल आयुर्वेदा कंसल्टेंसी। फ्रेंड्स, जैसे मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर आपके लिए एक हेयर फॉल सीरीज लेकर आ रहे हैं, और हमारे हर वीडियो में हम हर नए टॉपिक पर यहाँ आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आज के हमारे इस हेयर फॉल सीरीज का टॉपिक है स्प्लिटेंड्स हेयर, यानी ड्राई रूखे सूखे दो मुहे बाल। तो इसके लिए हम इस वीडियो में हर उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी और फ़ायदेमंद हो। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्प्लिटेंड्स किन कारणों से होता है, उन कारणों को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, स्प्लिटेंड्स के लिए हमें डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए, कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन हमें लेनी चाहिए, और साथ में हेयर पैक कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन सब बातों की पूरी जानकारी के लिए आपको हमारा ये वीडियो आखिर तक देखना होगा। और हाँ, अगर आपने हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन के ऑल के बटन पर प्रेस कर दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी सही समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे हेयर फॉल सीरीज के इस टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि स्प्लिटेंड्स के जो सामान्य कारण है वो क्या है। तो स्प्लिटेंड के जो सामान्य कारण हैं उनमें सबसे पहले आता है जिन लोगों में वाटर इंटेक कम रहता है, यानी जो लोग कम मात्रा में पानी का सेवन करते हैं, उन लोगों के शरीर में डिहाइड्रेशन के परिणाम स्वरूप उनके बालों में स्प्लिटेंड्स होना शुरू हो जाता है। जिन लोगों को ज़्यादा फास्ट फूड लेने की आदत हो, उन लोगों में भी हेल्दी डाइट ना लेने की वजह से स्प्लिटेंड की समस्या दिखाई देती है। या जिन लोगों को भूख की कमी की वजह से कम मात्रा में अन्न का सेवन किया जाता है, उन लोगों में भी स्प्लिटेंड्स दिखाई देते हैं। जिन लोगों में इम्बैलेंस लेवल ऑफ थायराइड की वजह से हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म जैसे डिसीजेस होते हैं, उन लोगों में भी उनके बाल अक्सर स्प्लिटेंड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो लोग अक्सर ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, बालों को सुखाने के लिए हफ्ते में 2 या 3 बार ब्लो ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में भी उनके बालों में से नेचुरल मॉइस्चराइजर निकल के बाल एकदम ड्राई रूखे सूखे होकर स्प्लिटेंड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। या फिर जो लोग अपने बालों को सेटिंग करने के लिए हीटर, स्ट्रेटनर और हॉट हेयर टूल्स का हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों के बाल एकदम ड्राई रूखे सूखे होकर स्प्लिटेंड्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुछ सामान्य कारण देखे स्प्लिटेंड्स के। अभी हम देखेंगे कि इसके लिए हमें डाइट में क्या चेंजेस करने चाहिए। सबसे पहले तो हमें हमारा वाटर इंटेक बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए आपको दिन में 10 या 12 ग्लास पानी लेना चाहिए। जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो, उन लोगों को अपने नज़दीक के डॉक्टर से सलाह करके इसके लिए ट्रीटमेंट शुरू करवानी चाहिए, और उसके बाद फिर स्प्लिटेंड के लिए ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। जिन लोगों को ज़्यादा फास्ट फूड लेने की आदत हो, उन लोगों को अपनी इस आदत को कंट्रोल में लाते हुए हेल्दी डाइट लेने की आदत डालनी चाहिए, ताकि उनके स्प्लिटेंड की जो टेंडेंसी है उनके बालों की, वो कंट्रोल में आ सके। जिन लोगों में ब्लो ड्रायर ज़्यादा इस्तेमाल करने की आदत होती है, उन लोगों को ब्लो ड्रायर हमेशा अपने बालों से 15 या 20 इंच की दूरी पर से ही अपने बालों को सुखाना चाहिए, और ब्लो ड्रायर का टेम्परेचर मेंटेन करके ठंड हवा से ही उनको अपने बालों को सुखाना चाहिए। हीटर या स्ट्रेटनर का इस्तेमाल करने वाले लोगों ने जितना कम से कम हो उतना इन चीज़ों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने डाइट में क्या क्या चेंजेस करवाए। साथ ही में जिन लोगों को प्रोटीन की कमी की वजह से स्प्लिटेंड की समस्या होती है, या स्प्लिटेंड की समस्या हमेशा के लिए परमानेंट हो जाती है, उन लोगों को सबसे पहले अपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए उन्हें प्रोटीन अलग अलग फॉर्म में लेने चाहिए, जैसे व्हे प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन और सोया प्रोटीन। तो मिल्क प्रोटीन के लिए आपको डेली सुबह या शाम में अपने रूटीन में 1 ग्लास दूध में 3 वॉलनट बारीक पीसकर इसकी पाउडर दूध में मिला के आपको
दिन में एक बार या तो सुबह में या शाम में लेना चाहिए, जिससे आपको नेचुरल फॉर्म में बायोटिन और प्रोटीन मिलता रहे। बायोटिन और प्रोटीन आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है, जो कि आपके बालों को स्ट्रांग बनाता है। साथ में हफ्ते में 2 या 3 बार आपको चीज़ या पनीर का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि सोया प्रोटीन के लिए आपको क्या लेना चाहिए। सोया प्रोटीन के लिए आपको सोया केक, सोया चंक, सोया मिल्क या फिर सोया पाउडर आप घर पर भी बनाकर सुबह शाम 2-2 चम्मच ले सकते हैं। सोया प्रोटीन आपके बालों के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, जिससे आपके बालों का टेक्सचर अच्छा होके बालों में स्ट्रेंथ आती है। अभी हम देखेंगे कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, वो लोग डेली ब्रेकफास्ट में 2 बॉइल्ड एग ले सकते हैं, और जो लोग वेजिटेरियन हैं, वो लोग डेली सुबह 1 मुट्ठी भिगोई हुई मूंगफली के दाने अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर शामिल करें, और सुबह शाम 2-2 चम्मच सनफ्लावर के बीज पानी में भिगो के खाना खाने के बाद डेली लें। सनफ्लावर के बीज से आपको नेचुरल फॉर्म में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और प्रोटीन मिलता रहेगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड से आपके बाल उसका टेक्सचर लस्टर फिर से वापस आना शुरू हो जाएगा, इसीलिए आपको इसे ज़रूर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जैसे देखा, स्प्लिट एंड की समस्या में हमने हमारा वाटर इंटेक बढ़ा दिया, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया, और डाइट में हमने ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स, सीजनेबल ऑल ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन पीज, ग्रीन स्पिनाच, इनका भी उपयोग करना शुरू कर दिया। इससे हमारे बाल अंदर से स्ट्रांग बनना शुरू हो जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में हमें कौन सी आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, जैसे मेरे लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि रुग्ण प्रकृति के अनुसार, एज के अनुसार और जेंडर के अनुसार हर व्यक्ति में, हर पेशेंट में लक्षण अलग अलग दिखाई देते हैं, कम या ज़्यादा मात्रा में लक्षण दिखाई देते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें दवाइयों का चुनाव और ट्रीटमेंट का चुनाव हर व्यक्ति के लिए अलग अलग करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिक आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बताती हूँ, जो कि हर उम्र का व्यक्ति ले सकता है और यह सबके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इसके लिए आपको लेना है आंवला पाउडर, भृंगराज पाउडर और ब्राह्मी पाउडर समान मात्रा में मिलाकर सुबह शाम आपको इसे 1-1 चम्मच पानी के साथ ले। ये वन औषधियाँ आपके बालों को बहुत अच्छा, आपके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी साबित होगी। ये वन औषधियाँ आपके हेयर रूट को स्ट्रांग बनाती है, आपके हेयर रूट को स्टिमुलेट करके बालों की लंबाई बढ़ाना शुरू कर देती है, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। क्योंकि स्प्लिट एंड वालों में सालों साल बालों में स्प्लिट एंड रहने की वजह से उनके बालों की लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है, इसीलिए ये वन औषधियाँ आपके बालों की ग्रोथ फिर से रिस्टार्ट कर देती है, इसलिए आप इनका ज़रूर प्रयोग करें। इसके साथ ही आपको अपने बालों में एक्सटर्नली लगाने के लिए गुंजा सीड से बना हुआ गुंजा ऑयल या अश्वगंधा ऑयल या ब्राह्मी ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। 100 ml गुंजा ऑयल में आपको 20 ml कैस्टर ऑयल मिला के इस मिक्सचर को ही आपको हमेशा इस्तेमाल करना है, और इस मिक्सचर को आपको हल्का गुनगुना करके अपने बालों में हेयर रूट से लेके पूरे स्प्लिट एंड तक अच्छे से लगाना चाहिए, और हफ्ते में 2 या 3 बार इस ऑयल अप्लीकेशन आपको ज़रूर करना है। साथ ही मैं आपको एक कॉड लीवर ऑयल की कैप्सूल भी डेली लेनी है। कॉड लीवर ऑयल की वजह से आपके बालों में स्ट्रेंथ आएगी, बालों का टेक्सचर सुधर जाएगा, बालों में लस्टर और शाइन आना शुरू हो जाएगा, इसलिए डेली आपको एक कॉड लीवर ऑयल की कैप्सूल भी लेनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमने देखा कि हमने वाटर इंटेक बढ़ा दिया, प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया डाइट में, साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन भी शुरू कर दी, जिससे आपके बाल अंदर से स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगे, बालों में मजबूती आएगी, स्प्लिट एंड की टेंडेंसी निकल जाएगी। लेकिन स्प्लिट एंड की वजह से आपके बालों में जो आउटर लेयर रहता है, क्यूटिकल लेयर, वो बहुत ही वीक हो जाता है, जिसकी वजह से स्प्लिट एंड वालों के बाल बहुत ही ड्राई, रूखे सूखे, भूरे रंग के, एकदम रफ झाड़ू की तरह दिखाई देते हैं। इसीलिए जिस तरह से हमने इंटरनली हमने प्रोटीन इंटेक बढ़ा दिया, उसी तरह आपको अपने बालों में बाहर से भी एक्सटर्नली प्रोटीन ऐड करना है। तो बालों में बाहर से प्रोटीन ऐड किस तरह से किया जाता है, तो इसके लिए आपको एक
हर्बल प्रोटीन पैक मैं यहाँ पे बताती हूँ, क्योंकि मेरे क्लिनिक में पेशेंट को मैं हमेशा मेडिसिन के साथ ये हर्बल प्रोटीन पैक लगाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए बताती हूँ, जिससे कि उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं, एकदम एक्सेलेंट रिजल्ट आते हैं और उनकी हेयर स्प्लिट एंड की समस्या पूरी तरह से निकल जाती है। तो इसके कुछ पिक्स भी मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया हुआ है, मेरे क्लिनिक के पेशेंट का ये पिक्स भी यहाँ पर शेयर किया हुआ है। तो इस पैक को बनाने की विधि कुछ इस तरह से है। इसके लिए आपको लेने हैं लाल रंग के 10 गुड़हल के फूल, 20 और 25 हरे रंग की गुड़हल की पत्तियाँ और 2 चम्मच भिगोया हुआ मेथी दाना। गुड़हल के फूल और पत्तों में नेचुरली हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज रहती है, जिसकी वजह से आपके बाल नेचुरली हाइड्रेट होते हैं और उनमें मॉइस्चर लॉक होना शुरू हो जाता है। और मेथी दाना में रिच प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड रहता है, जिसकी वजह से आपके बाल मोटे और बाउंसी होते हैं। इसीलिए इन तीनों का मिक्सचर आपको लेना है और इसे ग्राइंडर में डाल के इसका अच्छे से फाइन पेस्ट बनाना है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैंने आपको लाल रंग के ही गुड़हल के फूल क्यों बोले, क्योंकि स्प्लिट एंड वालों में सालों साल स्प्लिट एंड रहने की वजह से उनके बालों का जो नेचुरल कलर है वो कलर चला जाता है और बाल एकदम भूरे, रफ, झाड़ू की तरह हो जाते हैं। लाल रंग के गुड़हल के फूल उनके बालों में फिर से नेचुरल कलर लाना शुरू करते हैं, इसीलिए आपको लाल रंग के ही गुड़हल के फूल लेने हैं। यानी 10 रेड कलर हिबिस्कस फ्लावर, 20 या 25 ग्रीन कलर की हिबिस्कस लीफ और 2 चम्मच मेथी दाना। इन सबको आपको ग्राइंडर में डाल के इसका फाइन पेस्ट बनाना है और फिर इसमें आपको डालना है एक पूरा अंडा। जी, आपको इसमें एक पूरा अंडा डालना है। अंडे का येलो पार्ट और वाइट पार्ट दोनों ही आपको इस पैक में मिलाना है और इसे अच्छे से मिक्सअप करना है। जब ये आपका पैक पूरी तरह से अच्छे से मिक्सअप हो जाए, तब आपको इसे इस्तेमाल करना है। अपने हेयर रूट से लेके पूरे स्प्लिट एंड तक आपको इस पैक को लगाना है, अच्छे से कवर कर देना है और 1 घंटे के लिए इस पैक को लगा के छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आपको इस पैक को किसी अच्छे हर्बल शैम्पू से, जो कि एलोवेरा बेस्ड शैम्पू हो, ऐसे शैम्पू से आपको इस पैक को वॉश करना है। अगर एलोवेरा बेस्ड शैम्पू ना हो तो किसी अच्छे हर्बल शैम्पू में आपको 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करना है और इस एलोवेरा जेल मिक्स वाले शैम्पू से ही आपको अपने बाल वॉश करना है, जिससे के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि आफ्टर वॉश आपके बाल एकदम सॉफ्ट, सिल्की, शाइनी और लस्टरस हो जाएंगे। तो इस तरह फ्रेंड, स्प्लिट एंड्स के लिए हमने डाइट में चेंजेस करवाए, आयुर्वेदिक मेडिसिंस ली और साथ में हेयर पैक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से आपके स्प्लिट एंड की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड, आपको आज का हमारा ये वीडियो, ये टॉपिक कैसा लगा, इसके लिए आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए और हमें बताइए कि आज का टॉपिक आपको कैसा लगा। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आप कोई भी हेयर ट्रीटमेंट लें तो हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही लें और हमेशा आप अपने आप से कहें, आई लाइक माई हेयर एंड आई लव माई हेयर वेरी मच, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लिया हुआ ही आपका ट्रीटमेंट हमेशा आपको अच्छे और एक्सेलेंट रिजल्ट देता है। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस हेयर फॉल सीरीज का टॉपिक यही तक था। तो मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए हेयर फॉल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।